स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है उसके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पावर मेथड्स, या इसी को बोलते हैं इरिटेशंस मेथड। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा इस टॉपिक्स पर किसी ने भी अच्छी तरह बेसिक क्लियर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, डायरेक्ट कराए हुए हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रखी थी, उनमें कॉमेंट कर रखा था। तो मैं इस वीडियो लेक्चर्स में इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, हमें कैसे सोल्व करना है, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, और ये पावर मेथड किस लिए काम में आता है, क्या काम है इसका, क्या यूज है, मैं सारी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे बात करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और जितना भी मैं पढ़ाऊंगा नोट्स चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। पहले जो मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, लैंग्वेज फोरम, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस, फिक्स पॉइंट इरिटेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है। अप्रोक्सीमेट हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारा पावर मेथड है, पावर मेथड्स को हम इरिटेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद ये क्या काम आता है, टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। स्टूडेंट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स आपने पहले भी पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में, मैंने मैथ में कराया हुआ है। और मैं इस आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो हम पहले निकालते थे डायरेक्ट मेथड, तो सिंपल मेथड था, उस मेथड्स को मैं इस मैथ में भी मैं इंक्लूड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से जाके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। बट इधर क्या निकालना है हमें, डोमिनेंट क्या निकालना है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये निकालते हैं। इसी डोमिनेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, ये इधर लिख लेना कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। और हम क्या करते हैं, टू फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, इसमें भी सेम हमारा कोरस्पोंडिंग इसके। तो हम ये चीजें इससे फाइंड करना सीख लेते हैं, और कभी कभी हमसे पूछ लेता है टू फाइंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो डोमिनेंट को ही हम स्टूडेंट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, डोमिनेंट की जगह कई बार क्या जाता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में भी हमें डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब देखो काफी क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ था कि हमें सीधा दे देता है फाइंड डोमिनेंट वैक्टर या डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड फाइंड कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर ऑफ द डोमिनेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा 2x2 का ओनली एक बात ध्यान रखना, हम स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स का हम डोमिनेंट वैल्यू आइगन वैल्यू या लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारा क्या दिया हुआ इधर, सबसे पहले डोमिनेंट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं, डोमिनेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है इनिशियल वैल्यू, ये क्या है लेट इनिशियल वैल्यू, ये क्या है सारी इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू हमें क्या लेट करेंगे डोमिनेंट के लिए, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 1 1, 3x3 का है तो 1 1 1, और 4x4 का है तो 1 1 1 1, ये हमारा डोमिनेंट के लिए लेट करेंगे हम। अगर हमें से क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट पूछा तो हम x0 सेम 2x2 ऑर्डर के लिए क्या लेट करेंगे 1 0, और अगर 3x3 का है तो हम सेम ये करेंगे, और 4x4 का है तो हम करेंगे 1 0 0 0। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये हमें लेट करना है। काफी बुकों में थोड़ा अलग भी दे रखा है, गलत वो भी नहीं है, और मैं पढ़ा रहा हूं गलत वो भी नहीं है, ये बिल्कुल आपको अगर किसी भी क्वेश्चन कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा और उसको पता ही नहीं रहता, क्योंकि काफी बुकों में कभी 100, कभी 110, कभी 101 ऐसे ऐसे कुछ लेट कर रखा है। तो मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और सभी क्वेश्चंस मैंने इस मेथड से सोल्व करके देखे हैं तब मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अभी मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ क्वेश्चनों में तो गिवन रहेगा हमारा x0 जो इनिशियल वैल्यू है, कुछ में हमारा एक क्वेश्चन में हमारा गिवन नहीं रहेगा, तो एक लार्जेस्ट का करेंगे, एक डोमिनेंट का करेंगे, फिर एक कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यूजिंग फोर इरिटेशन ऑफ द पावर मेथड। हमें कौन सा मेथड करना है,
पावर मेथड ऑफ फोर इरिटेशन। फोर इरिटेशन मतलब क्या करना है, हमें फोर इरिटेशन तक निकाल के दिखाना है। एंड टेकिंग इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर दे रखा है वी जीरो, वी की पावर जीरो विद द ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, सारे एलिमेंट्स हमें क्या लेना है, वन लेना है। फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू, क्या अपने फाइंड करना है हमें डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, एंड आइगन वेक्टर भी निकालना है हमें उसके कोरस्पोंडिंग ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। इनिशियल वेक्टर इसने बोला है किसके इक्वल लेना है हमें स्टूडेंट्स, इनिशियल वेक्टर को वन के इक्वल। तो ये कितने की मैट्रिक्स है हमारी, दिख रहा होगा आपको फोर बाई फोर की है। तो आप इस वी जीरो क्या आ जाएगी, मैंने अभी बताया था, देखो क्या फाइंड करना, डोमिनेंट, डोमिनेंट में चलते हैं। देखो डोमिनेंट में मैंने बताया था अगर गिवन नहीं होता तो सारे मैट्रिक्स क्या लेने हैं हमें डोमिनेंट निकालने के लिए, फोर बाई फोर मैट्रिक्स के लिए सारे क्या लेने हैं वन। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अगर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लग जाएगा। हमें अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो हमारा एक काम तो सोल्व हो ही गया चिंता, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फोर चार बार आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल के दिखाने। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। देखो पहला हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, वाई वन, हमें चार तक निकाल के दिखाना है, याद रखना, क्योंकि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। मैं नहीं बोल रहा ये फोर इरिटेशन, चार इरिटेशन निकाल के दिखाने। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था चार इरिटेशन हमें, तो हमें कहां तक निकालना है उसके ऊपर मैं थर्ड क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें पहले y1 निकालने के लिए हमारा क्या रहता है, a v इनिशियल वेक्टर। अब a की वैल्यू क्या है, इधर हमारी 2 माइनस 1 0 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 0 माइनस 1 एंड 2। इसके साइड में हम क्या करेंगे, इनिशियल वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और v0, v0 हमारा क्या दिया, 1 1 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स इन सभी की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आपने क्लास 12th में पढ़ा है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, इसके साथ। अब देखो कैसे करते थे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, पढ़ाने की जरूरत नहीं है बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई a 1 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इस वन की मल्टीप्लाई इसके साथ किया, प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन इस जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, प्लस फिर इस जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जीरो मल्टीप्लाई वन। सिमिलरली हम नीचे वाले में करेंगे स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई आपने क्लास 12th में पढ़ा है। वन और इधर से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टू, इधर से करेंगे तो हमारा आएगा माइनस वन प्लस जीरो, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड का करेंगे तो हमारा जीरो माइनस वन टू माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन टू। तो इसको वाई वन हमारा सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा वाई वन इधर से क्या आ जाएगा, टू, इधर से कितना बचेगा हमारा टू माइनस वन, तो हमारा बचेगा वन जीरो जीरो वन। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू आप कॉमन ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ले लो, हाईएस्ट वैल्यू। अगर स्टूडेंट्स हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव के भी है तो आप पॉजिटिव वाली कॉमन ले लो। देखो मैं अभी बताऊंगा, एक मिनट, पहले मैं इसमें से वन कॉमन ले लेता हूँ, वन जीरो जीरो वन, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, और इसको क्या ऐड कर लेंगे, इसमें से हमने हाईएस्ट वैल्यू निकाल ले, तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से इसको क्या ऐड कर लेंगे, v की पावर 1, क्योंकि v0 हमने इनिशियल वैल्यू लेट किया था, ये वाला लेट कर लिया था, और इसने को क्या कर लिया हमने, v1 लेट कर लिया, और इसको हमने क्या कर लिया, x, x1 लेट कर लिया, तो ये क्या आ गया x1 v1, ठीक है, हमारा ये क्या आ गया x1 v1 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमें कहां तक निकालना है, y4 तक निकालना है। अब देखो y2 हम क्या निकालेंगे, y2 y की पावर 2, तो y2 निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हमारा क्या रहेगा, a v1, ये हमने अभी निकाला था, a1 की वैल्यू हमारी क्या थी, सेम एज इट इज जो हमने थी मैंने यहां पे कॉपी कर लिया है, और हमारी v1 की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, हमारी यहां से कितनी वैल्यू आई थी,
1001 ये। अब सेम हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देख कहाँ मैंने क्या चेंज किया स्टूडेंट्स, पिछले में देखो हमने क्या किया था, इसके साथ हमने ए वी जीरो जो इनिशियल था, वी की पावर जीरो जो इनिशियल था वो किया है, इसमें हमने क्या किया जो वी वन जो हमने हमारा ये आया था ए वन, हमने हाईएस्ट वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा वी वन आया था वो लिया है, ठीक है। इन दोनों की क्या करेंगे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इधर से हमारी वैल्यू आएगी 2 -1 -1 एंड 2 स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें से हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2s2, तो इधर से हमारा कितना बचेगा 1 -1/2 -1/2 एंड 1, ठीक है ये आ जाएगा। तो इसको क्या लेट कर देंगे x2 और इसको क्या लेट कर लेंगे v की पावर 2, ये हम इसको लेट कर देंगे। अभी हमें क्या निकालना है y3 निकालना है, y3 के लिए क्या होगा a v की पावर 2 ये होगा, अब v की पावर 2 तो आपको पता है ये v की पावर 2 है, a की वैल्यू आपको पता ही है, a की वैल्यू हमारी सेम ये हो गई और v की वैल्यू आप पुट कर दो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -1/2 -1/2 एंड 1। इन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपने क्लास 12th में पढ़ी है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा डायरेक्ट यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 -1.5 -1.5 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इनमें से पूरे मैट्रिक्स में से 2.5 कॉमन ले लिया तो इधर से 1, इधर से 1.5 अपॉन 2.5 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.6 0.6 और इधर से हमारा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको क्या लेट कर लेंगे x3 और इसमें v की पावर 3 स्टूडेंट्स। अभी हमें y4 तक निकाला था क्योंकि हमारा 4 इरिटेशन पूछा हुआ था, तो इधर से क्या हो जाएगा a v की पावर 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे सेम हमारा, a को देखो मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और इधर से v3 की वैल्यू क्या है 1 -0.6 -0.6 एंड 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा इधर से कितना आएगा 2.6 -1.6 -1.6 और 2.6, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2.6 कॉमन ले लिया मैंने इधर से, तो हमारा इधर से क्या बच जाएगा 1 और -0.6154 और हमारा 1। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया 4 इरिटेशन तक हमारा आंसर। अब बोलोगे स्टूडेंट्स ना तो सर आपने आइगन वैल्यू बताया ना आइगन वेक्टर बताया, क्वेश्चन तो पूरा समझा दिया। देखो स्टूडेंट्स अभी अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारी ये वैल्यू है x1 x2 x3 क्या है, जो मैंने x1 x2 x3 x4 इट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ये क्या है हमारी आइगन वैल्यू, ठीक है। और जो हमने लेट किया है देखो v1 v2 v3 v4 ये क्या है, इट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर स्टूडेंट्स। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप इतना निकाल के छोड़ देना और लास्ट में लिख देना y4 इज सो एंड सो, ये 4 इरिटेशन तक हो गया, एग्जामिनर आपका नहीं देखेगा, ये जो मैंने बताया है इट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, ये कुछ मत निकाल के मत दिखाना, 4 इरिटेशन तक y की पावर 4 निकाल के दिखाना, ये इट इज कॉल्ड आपका ये आंसर हो जाएगा। x1 x2 x3 x4 आपकी आइगन वैल्यू रहेगी और आइगन वैक्टर्स आपका क्या रहेगा, ये हमारा आइगन वैक्टर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं एक छोटी सी चीज में इधर आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, समझा देता हूं एक छोटी सी चीज, मान लो आपके पास आ गया इधर -7 2 2 6 ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा वी, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू आ गया मान लो, तो इसमें से स्टूडेंट्स हमें हाईएस्ट वैल्यू कॉमन लेनी रहती है, तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 7, क्यों है 7, क्योंकि ये बोलोगे सर ये तो -7 है, भाई हमें माइनस का नहीं देखना है, ओनली हमें 7 लेना है कॉमन, इधर से हमारा कितना बचेगा 1 2/7 2/7 एंड 6/7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इधर बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है ये आप ध्यान रखना, ठीक है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है,
ठीक है, क्योंकि हम माइनस का साइन नहीं देख करते यहाँ पे, तो हमारा 7 क्या आ जाएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब स्टूडेंट्स सेम मैंने अभी बताया, बताऊंगा आपको, द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर भी निकालना है ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारा गिवन है यूजिंग पावर मेथड। कौन सा मेथड? पावर मेथड। टेकिंग इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, V0 की वैल्यू हमें दे रखी है, एंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू परफॉर्म फोर इरिटेशन। कहां तक क्वेश्चन को निकालना है? फोर इरिटेशन तक निकालना है। बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाया था स्टूडेंट, कॉपी रहेगा। इनिशियल वैल्यू देखो, V0 हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 100। गिवन मैट्रिक्स ए कितना दे रखा है हमें, 16 माइनस 1 120003। ये हमारा मैट्रिक्स ए दे रखा है, और कहाँ तक निकालना है? फोर इरिटेशन तक हमें निकालना है स्टूडेंट्स। देखो लार्जेस्ट आ गया, पिछले में क्या था? डोमिनेंट था। क्या था? डोमिनेंट था, तो हमारा 111 लिया था। अब देखो मैंने जो पढ़ाया है बेसिक, लार्जेस्ट में मैंने क्या बताया था, 100003 के लिए क्या होता था, 100 बताया था मैंने, और क्वेश्चंस में भी यही गिवन आया है हमारा। देखो 100, कभी कभी ये चेंज दे देता है एग्जामिनर, V0 की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है वो क्या पुट कराना चाहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो पहला फर्स्ट इनिशियल पहला निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो हमारा क्या रहेगा, वाई की पावर 1 ए V0, क्या रहेगा हमारा, ए V0 हमारा यही रहेगा सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 161 120003, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, V0 के साथ 100। ये हो गया सेम मल्टीप्लाई जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हमारा स्टूडेंट्स क्या जाएगा, 110। इसमें से हाइएस्ट वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा क्या आ गया 110 सेम बचेगा। इसको हम क्या लेट कर लें, X1, और इसको हम V की पावर 1 लेट कर लें। Y2 निकालेंगे, Y2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A V की पावर 1, तो हमारा सेम मैट्रिक्स रहेगा इधर, तो A A के साथ बस किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, V1 का। V1 हमारा कितना आया यहाँ पे, 110, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा हमारा इधर से, 730। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा, 7 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर से कितना बच जाएगा 1, इधर 7 3/7, और इधर 0 0.7, तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे दो अप्रोक्सीमेशन, हमें कहाँ तक परफॉर्म करने हैं, 4 तक। तो अभी हम करेंगे 4th, नेक्स्ट Y3 एंड Y4 के ऊपर। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस हमारा, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, खाली सेम है हमारा, हम करते रहेंगे आगे सोल्व Y3 Y4, और हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हमारा आ जाएगा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारी फोर्थ वाली रहेगी वो लार्जेस्ट आ जाएगी हमारी, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग वो हमारा एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, इसमें कौन से पूछे था हमारा डोमिनेंट, तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2.6, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो अब क्वेश्चन में एग्जाम में पूरा मैंने जो ये लिख के बताया आपको, ये आएगी, ये मत लिख के दिखाना, डायरेक्ट लिख के दिखा देना कि हमारी ये वैल्यू आई है डोमिनेंट, और ये आई है उसके कोरस्पॉन्डिंग डोमिनेंट वेक्टर। ठीक है, अभी चलते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन है उसी के ऊपर, Y3 और उस। तो इसके लिए हमें किससे क्या करना पड़ेगा, ए V की पावर 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, 161 120003, ये गिवन है, और V2 के हमारा अभी कितना आया था, हमारा V2 हमारा कितना आया था अभी, 1 3/7 and 0, इसको हम सेम मल्टीप्लाई करके करेंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई भी आपने नहीं सीखा तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, मल्टीप्लाई वहां से आप देख सकते हो, उसका शॉर्ट ट्रिक का मैंने वीडियो बनाया है वहां भी, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो इधर से हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25/7 आ जाएगा, 30/7 आ जाएगा, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी, 25/7, तो इधर से कितना बच जाएगा, 1, और इधर बच जाएगा 13/25, और इधर हमारा 0 स्टूडेंट्स। सॉरी, इस क्वेश्चन में 3 इरिटेशन पूछा हुआ था स्टूडेंट्स, 4 इरिटेशन मैंने गलती से मैच कर दिया था, 3 इरिटेशन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर स्टूडेंट्स।
और ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा इस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 25/7, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 4 इरिटेशन तक का ही हमारा इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन पे हम और बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स मान लो आपको इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, तो ये पूछे जा सकते हैं। एक मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई थी आपको ये पुट करके, मान लो हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 3 एंड 5 एंड 4, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, पूछ लिया फाइंड द डोमिनेंट वेक्टर, वेक्टर एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, ठीक है, हमें ये पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक थर्ड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करेंगे। डोमिनेंट में मैंने बताया था आपको वी जीरो क्या लेट करेंगे, जो मैंने बताया था क्या लेट करेंगे, 1 एंड 1, ए की वैल्यू सेम दे रखी है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वी जीरो। अब ए वी जीरो देखो 2, 3, 5, 4, इसकी 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा इधर से 5, 4, 9, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हमारी 9, तो इधर से कितना बच जाएगा 5/9 और 1, ये बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि सर इसमें तो ये तो बताया नहीं कहां तक निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां तक है। अब देखो कहां तक निकालना है वो बताता हूं, देखो अभी ए वी वन निकाल लेते हैं पहले, ए वी वन में सेम इसको क्या एक्स वन लेट करेंगे और ये हमारा क्या जाएगा ए वी वन, सेम करेंगे 2, 3, 5, 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/9, वी वन की वैल्यू यही है हमारी, इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, किसको इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा इधर से कितना वैल्यू आ जाएगा, (4.12 and 6.8), इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 6.8 है, तो इधर से हमारा कितना आ जाएगा 0.61 and 1। अब इसको क्या लेट कर लेंगे, x2 लेट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे v की पावर 2 लेट कर लेंगे, तो इधर से क्या निकलेगा a v की पावर 2, 2, 5, 3, 4 और इधर से आ जाएगा 0.61 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इधर से हमारा कितना आ जाएगा 4.22 और 7.05 कॉमन आ जाएगा हमारा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो अंदर कितना बच जाएगा 0.6 और 1 हमारा। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे, ए वी की पावर 3, ये निकाल लेता हूं तो उसके बाद मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा। तो a की पावर v 3 भी आप सिमिलरली निकालोगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो मैं बता देता हूं 7 और अंदर हमारा बच जाएगा 0.6 एंड 1, ये हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको हम क्या 4 कर लेंगे x^4 v^4, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो बोलोगे सर कब तक निकालते रहोगे ऐसा, स्टूडेंट्स हमारा भी आंसर आ चुका है, कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैंने फर्स्ट निकाला, देखना फिर उसमें ये तो मैंने बताया था क्या है, आइगन वेक्टर होता है, सॉरी आइगन वैल्यू होता है और ये क्या होता है आइगन वेक्टर बताया था मैंने। तो स्टूडेंट्स पहले में देखो पहले की वैल्यू कितनी आई 9 आई और सेकंड की 5/9/1, हमें जब तक निकालते रहना है जब तक ये हमारी आइगन वैल्यू कोई भी दो आइगन वैल्यू सेम ना आ जाए। अब पहले दूसरे में तो नहीं आया, तीसरे में देखो 7.05, हमारी क्या है ओनली आइगन वेक्टर सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए आइगन वेक्टर मतलब ये वाला। अब एक्स इसमें देखो जो हमने निकाला था ये क्या था हमारा y1 निकला था, ये y2, ये y3 और ये हमने क्या निकाला था y4 निकाला था। अब y3 और y4 में देखो हमारा आइगन वेक्टर सेम आ रहा है तो तब तक निकालना जब तक हमारा आइगन वेक्टर क्या ना जाए सेम,
तब तक हमने निकाला है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इधर हम क्या लिख देंगे आंसर, देखो इधर 0.61, इधर 0.61, और हमारी नीरेस्ट आइगन वैल्यू भी आ गई। आइगन वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। कितनी आ गई हमारी आइगन वेक्टर वैल्यू, इधर से 7 आ गई, और हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.6 एंड 1 हमारी आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर आ गया इधर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, और इससे ज्यादा हमारा इस लेक्चर में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।